क्या आप भी रोजाना सफर के लिए कैब और टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ओवर चार्जिंग और कैब कैंसिल होने की समस्या से जूझ रहे हैं? तो ये खबर आपके लिए है क्योंकि केजरीवाल सरकार जल्द एग्रीगेटर पॉलिसी लागू करने वाली है जिसके दायरे में ओला और उबर जैसी कंपनियां भी आएंगी। बताएंगे आपको क्या है एग्रीगेटर पॉलिसी, ये कब लागू होगी और आपको इससे क्या क्या फायदे होंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं दिल्ली तक। केजरीवाल सरकार देश की राजधानी दिल्ली में जल्द ही एग्रीगेटर नीति लागू करने की तैयारी में जुटी है। अब किसी भी समय इसका ऐलान हो सकता है। इसका मकसद दिल्ली में पॉल्यूशन के स्तर को नियंत्रित करने के साथ निजी कंपनियों के वाहन हायर करने के बाद यात्रियों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाना है। इसके दायरे में ओला उबर जैसी कंपनियां आएंगी। ओवर चार्जिंग और यात्रियों से गलत व्यवहार और इसकी शिकायतों पर एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एग्रीगेटर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज को अपने टू व्हीलर और फोर व्हीलर एक निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदलने होंगे। आपको बता दें केजरीवाल सरकार देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बड़ी पहल करते हुए मोटर वाहन एग्रीगेटर स्कीम 2021 को लागू करने जा रही है। साल 2023 में इसकी शुरुआत हो सकती है। इस नीति में जहां इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा वहीं ओला उबर जैसी कंपनियों की मनमानी पर नकेल भी कसी जाएगी। यदि ऐसी कंपनियों से संबंधित चालक सवारियों से अधिक पैसा वसूलता है या ठीक से पेश नहीं आता है तो संबंधित चालक और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं एग्रीगेटर पॉलिसी की आखिर क्या क्या खासियत है। एक महीने में 15% या इससे अधिक शिकायत मिलने वाले चालकों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। एक साल में 3.5 से कम रेटिंग वाले चालकों को प्रशिक्षण और सुधारात्मक उपाय करने होंगे। अकुशल चालकों के प्रदर्शन की निगरानी एग्रीगेटर और परिवहन विभाग द्वारा रखी जाएगी। यदि प्रदर्शन में सुधार नहीं होता है तो परिवहन विभाग उसके व्हीकल बैच को भी खत्म कर सकता है। वाहन 8 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। सभी वाहनों पर एग्रीगेटर का लोगो लगा होना चाहिए। इसी के साथ जो भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है एग्रीगेटर्स पॉलिसी में, चलिए आपको ये भी बताते हैं। कैब में पैनिक बटन लगवाना होगा ताकि आपात स्थिति में स्थानीय पुलिस से संपर्क किया जा सके। यात्रियों को कम से कम 2 लोगों को लोकेशन शेयर करने की सुविधा हो। ऐप की फायरवॉल का निर्माण कराना होगा ताकि यात्रियों के पर्सनल डेटा लीक ना हो। दिल्ली में संचालन के लिए परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। कंपनीज को स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन से मान्यता प्राप्त करना जरूरी होगा। तो इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन दिल्ली NCR से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।